तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त नमीश। आज मैं आपके आगे जो दो ब्रांड लेके आया हूँ वो है एक ओकस्मिथ गोल्ड और एक है विस्किन क्राफ्ट। इन दोनों पे मैं रिव्यू कर चुका हूँ। दोनों के रिव्यू आने के बाद मुझे लगा दोनों ऑलमोस्ट बराबर के ब्रांड हैं, क्यों ना दोनों को एक टेबल पे रखा जाए और उसके बाद डिफरेंशिएट करा जाए कौन सा ब्रांड बेस्ट है। प्राइस पॉइंट में अगर बात करें तो ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दिस। हो सकता है अब जब तक मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँ, क्योंकि तब तक प्राइस कुछ एक नई पॉलिसी आने वाली है, तब तक प्राइस फ्लक्चुएट ना हो जाए, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ 50 या 60-70 रुपये का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर फ़र्क नहीं आने वाला। तो दोस्तों जैसे कि आपने मेरा उस वीडियो में देखा था, शिनजी फुकोई एक वेल नोन बंदा जिसने इंडियन पैलेट्स को समझने के बाद इसका टेस्ट डेवलप करे हैं। बट मुझे जो पर्सनली पसंद आई थी, जो मुझे पर्सनली पसंद लगी थी, वो मुझे पसंद आई थी विस्किन क्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, मुझे पर्सनली विस्किन क्राफ्ट समझ में आई थी, मुझे पर्सनली इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मुझे लगा चलो इस बार दोनों को टेबल पे ला के जब तक सामने रख के कंपैरिजन नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा, क्यों ना दोनों बच्चों को सामने बिठाया जाए और दोनों का टेस्ट लिया जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों और अपने दारू भाई दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये है मेरे पास ओकस्मिथ। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है गोल्ड, एक आता है सिल्वर। तो ये मेरे पास है अभी ओकस्मिथ सिल्वर, और ये एक है मेरे पास विस्किन क्राफ्ट। ये लास्ट टाइम मैंने रिव्यू करा था, छोटा सा क्वार्टर है ये। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं दोनों का रिव्यू, देखते हैं कैसे हैं दोनों की टक्कर, दोनों ब्रांड कंपैरिजन में कैसे हैं। अगर इनिशियल सबसे पहले बात करते हैं कलर की, इसका जो कलर है वो स्लाइटली लाइट है, इसका कलर स्लाइटली डार्क है। तो दोस्तों ये जो दोनों ब्रांड हैं, विस्किन क्राफ्ट ये भी इंडियन है और ओकस्मिथ इंटरनेशनल ब्रांडेड ये भी इंडियन है, दोनों ब्रांड्स इंडियन है। बट मुझे जो पर्सनली पसंद आई थी वो ये थी। इसकी जो रेसिपी तैयार करी है शिनजी फुकोई, मिस्टर शिनजी फुकोई वेल नोन पर्सन है अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने इसकी रेसिपी तैयार करी। तो ये बॉटल में जो कलर है, ये जिसका कलर है देखने में बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, वेरस इसका कलर जो है स्लाइटली येलो है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये तो हुई कलर की बात, अब करते हैं नोजिंग की बात। तो ये रहे मेरे दो शॉट ग्लास, इन दोनों के अंदर मैं पोर करूंगा थोड़ी थोड़ी विस्की और एरोमा वाइज समझने की कोशिश करूंगा। विस्किन क्राफ्ट डाल दी है, ये डाल दी ओकस्मिथ। दोनों ग्लास अगर मैं बराबर रखता हूं तो इसका कलर जैसे कि मैं आपको बता रहा था बॉटल में, इसमें एक्चुअली इसमें भी मुझे लगा कि शायद क्वांटिटी ज़्यादा है तो कुछ फ़र्क पड़ता है, बट देखा जाए तो कलर ऑलमोस्ट दोनों का सेम नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कलर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क नज़र आ रहा है। माइट भी बॉटल में क्वांटिटी का फ़र्क हो तो इसलिए थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाता है, या आई डोंट नो शायद कुछ तो होता होगा। लेकिन हाँ, बहुत ध्यान से अगर देखा जाए, दोनों ग्लासें मैंने मेजर कर ली, बहुत स्लाइटली सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अब आते हैं नोजिंग पे। तो अब पहले मैं इसको नोज करता हूं। पिंच ऑफ बर्निंगनेस, जो केमिकल जो स्पिरिट है वो इजीली फील हो जाएगी इसमें आपको। इसमें आपको प्योर अल्कोहल का फील आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रॉपर अल्कोहल का फील आ रहा है। जस्ट बिकॉज कि ये स्कॉच और ब्लेंडेड विस्की है, बर्बन विस्की और स्कॉच विस्की का कॉम्बिनेशन से ये इसको बनाया गया है, वेरस इसके अंदर सिर्फ स्कॉच विस्की डाली गई है, इसमें उसके हॉप्स लगे लिए गए हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो मुझे लग रहा है। मगर इसके अंदर जो इन्होंने केमिकल का एक स्पिरिट का जो हिंट होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसमें स्पिरिट का हिट ज़्यादा है कम्पेयर टू दिस। इसमें पूरा प्रॉपर अल्कोहल का
पंच जो आपको फील होता है, जो अल्कोहल का एरोमा है, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। अब मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को इकट्ठा एक टेबल में बिठा दिया है, तो दोनों के आगे सेम क्वेश्चन आएंगे, तो पता लग जाएगा कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कौन सा स्टूडेंट सेकेंड आता है। ये तो हो गए अपना कलर की और नोजिंग की बात। अब मेरे सामने हैं दो ग्लास, इसके अंदर मैं इनको पोर करूँगा और सिप करके देखूँगा कि कैसा टेस्ट आता है। ये इसमें मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको करूँगा नीट सिप और आपको बताऊँगा इसके टेस्ट बड्स कैसे हैं। सिप करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, हार्शनेस नहीं है इसके अंदर, थ्रोट पे बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं है, निल हार्शनेस। लेकिन अभी जो मेरे पैलेट में जो टेस्ट बड्स आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट जो है ना, वो बहुत ही पंची और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आपको एक फील देता है, माइंड भी शायद इनकी जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो शायद थोड़ी डिफरेंट है, या स्प्रेड फॉर्मूला से ज़्यादा डाला हुआ है इसलिए हिट है। अब मैं करूँगा ओक स्मिथ, तो डिफरेंस ज़्यादा ये है कि इसमें आफ्टर पैलेट इतना टेस्ट बड्स नहीं है, वेरस इसके अंदर आफ्टर पैलेट्स के जो टेस्ट बड्स हैं वो आ रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद आपको फील होता है एक पंचीनेस, एक सिट्रीनेस थोड़ी आती है, इसमें वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल जीरो मिसिंग है। हार्शनेस की अगर बात करूँ तो इसमें भी निल है, इसमें भी निल है, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा उस टाइम ज़्यादा इसलिए लगी थी ये मेरी पहली वाली जिसमें मैंने डिटेल वीडियो करा है विस्किन क्राफ्ट का, उसके अंदर, क्योंकि इसमें जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग लगे मुझे। वेरस इसमें वो चीज़ बिल्कुल भी मिसिंग है, वो नहीं है। अब इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ा के इन दोनों में मैं पानी डालने वाला हूँ, पानी डाल के फिर बताऊँगा पानी में कैसा टेस्ट करता है। उससे पहले एक बार अपना माउथ थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। क्वांटिटी एक बार देख लूँ, ऑलमोस्ट सेम है। शराबियों को हाथ ना बिल्कुल नपावा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट है क्वांटिटी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, नहीं डालते थोड़ा। तो दोस्तों अब मैं दोनों के दोनों ग्लास डाल चुका हूँ, दोनों के दोनों ग्लास में विस्की पोर कर चुका हूँ, पानी में डाल चुका हूँ। अब बताऊँगा आपको इनको दोनों को सिप करके कि कितना फ़र्क आता है आपका पानी को पोर करने के बाद, कितना बड्स चेंज होते हैं, क्या फ़र्क है, क्या मुझे इस विस्किन क्राफ्ट के अंदर वो टेस्ट बड्स जो मैं नीट पी रहा था वो फील होते हैं या नहीं होते। तो चीयर्स। बहुत स्लाइटली सा है इसके अंदर पंच, मतलब जो चीज़ नीट में आ रही थी पहले आपको, जब आप नीट पीते हैं जो आफ्टर पैलेट में जो टेस्ट आ रहा, सेम वो चीज़ है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है। बट नो हार्शनेस ऑन दी थ्रोट, दिस इज, मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे बहुत सही लग रही है। अब मैं इसका टेस्ट करता हूँ एक बार, माइट बी शायद दोनों ब्रांड इकट्ठे हैं, मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो पा रहा है जज कर पाना दोनों को पानी के अंदर डालने के बाद। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। मेरे हिसाब से ये जो विस्की है, पहले मुझे पसंद विस्किन क्राफ्ट आई थी, अब मैं बोल सकता हूँ ओक स्मिथ इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, ओक स्मिथ इंटरनेशनल इज giving much better taste इस ब्रांड के comparatively। जी हाँ, विस्किन क्राफ्ट के comparatively अगर मैं ओक स्मिथ की बात करता हूँ, मेरे को ओक स्मिथ पीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा पैलेट भी स्मूथ है। सिर्फ इसका एक जो पंचिंग चीज़ है जो गेम चेंजर हो सकता है कई विस्की लवर्स के लिए, कि
पीने के बाद मुंह में कुछ इफेक्ट जो देता है वो है, वो इसमें नहीं है। दोनों हार्शनेस जीरो है, थ्रोट पे हार्शनेस नहीं है। दोनों का प्राइस सेगमेंट भी अपने 50 या 100 रुपये, 100 रुपये तो सॉरी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 से 60 रुपये का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों की दोनों इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी विस्की हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोनों की दोनों बहुत ही अमेजिंग विस्कीज है। हर एक का अपना टेस्ट बर्ड होता है, हर एक के अपने व्यूज होते हैं। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, नो ग्रच विद दिस ब्रांड और दिस ब्रांड। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बहुत पसंद नहीं आई, या ये कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब मैं अगर कंपेरिजन डेस्क पे अभी बैठा हुआ तो मुझे लगता है आई वुड गो फॉर दिस। जी हाँ दोस्तों, मुझे ओक स्मिथ बहुत बेटर लगी इसके कंपेरिजन में। वो इसलिए कि एक चीज इसके अंदर जो है वो थोड़ा हिट है, केमिकल का जो स्पिरिट का हिट है वो मुझे इसमें ज़्यादा लगा। ऑल दो ब्रांड 9 साल से मार्केट में, ऑब्वियसली बहुत अच्छी सेल कर रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ओक स्मिथ बहुत बेटर लगी। दोनों ब्रांड अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दोनों ब्रांड अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, नो ग्रजेस फ्रॉम ओक स्मिथ और विस्किन क्राफ्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा कंपेरिजन अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दिस वॉज योर होस्ट नमीश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।